जन जन के प्रिय, आम जन के दिलों पे राज करने वाले सचिन पायलट साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज यहाँ पर जनसंघर्ष यात्रा के समापन के अवसर पर यहाँ ये जो सभा हो रही है, इस सभा में जिस प्रकार से जनसैलाब उबड़ा है, इस प्रकार का जनसैलाब मैंने तो आज दिन तक कभी भी किसी सभा में नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां होती है, दिल्ली में भी होती है, पूरे देश की रैली, राजस्थान में पूरे प्रदेश की रैली होती है, लेकिन आज की जो सभा और जो उपस्थिति है ये अपने आप में एक मिसाल है। और दिल्ली में और प्रदेश में जो पार्टी की सभाएं होती है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उसमें जुट जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने इस रैली में आने से लोगों को रोकने के लिए भी प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना जनसैलाब उमड़ पड़ा है। अब इससे ज्यादा और क्या है? इससे भी अगर हमारी आंख नहीं खुलेगी तो फिर हमारी आंख कब खुलेगी? फिर तो 23 के चुनाव के बाद में खुलेगी, और बाद में आंख खुलेगी तो वो कोई काम आने वाली नहीं है। इसलिए अभी से समझ जाएं, संभल जाएं। आज ये सोचते हैं जो सत्ता में बैठे लोग कि हम अकेले ही 23 की सरकार वापस बना लेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। कैसे बना? ये जनसैलाब जो यहाँ बैठा है, ये इसकी आप अनसुनी करोगे, इसको साथ लेके नहीं चलोगे, आप अकेले चलोगे, एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करोगे, कभी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। आप एक हाथ से ताली बजा के बता देना हमको, एक हाथ से ताली बजा के बता देना, मैं बता दूंगा एक हाथ से ताली बजे कि नहीं बजे, समय आएगा। इसलिए अभी समय है, सोच लो। मुझे समझ में नहीं आता कि राजस्थान में आखिरी सरकार है किसकी, राजस्थान में सरकार है किसकी। हमारे सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि हमारी सरकार को बचाने वाली